इनके अंधभक्त इस बात को फैलाते हैं। उनका काम एक ही है, जो उन्होंने कह दिया वही माना। इन्होंने कृषि बिल के ऊपर कहा था कि किसानों को समझ में नहीं आया, इन्होंने अगली पद के लिए कह दिया युवाओं को समझ में नहीं आया। ये हमेशा जाति पाति के ऊपर बांट के इस देश को बर्बाद करना चाहते, तो ये देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। आप देखोगे कितने बच्चे, लाखों बच्चे आज बेरोजगार हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी नाम से जो योजना जारी की गई है, अग्निपथ उसको नाम दिया गया है, सेना में भर्ती होने के लिए अब अग्निपथ स्कीम के तहत ही युवाओं को भर्ती किया जाएगा, उसका विरोध भरपूर हो रहा है। जींद में एक धर्मशाला में, जाट धर्मशाला में यहां पर एक महापंचायत करवाई जा रही है, इसमें कैप्टन रैंक के अधिकारी भी कई रिटायर होकर के जो आज हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कैप्टन रणधीर सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध भी लड़ा और 32 साल की सर्विस दी। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये योजना के बारे का विरोध वो क्यों कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। कैप्टन साहब, क्यों विरोध कर रहे हैं इस योजना? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार। विरोध इसलिए कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिसी बनती है तो देश के भले के लिए बननी चाहिए, लेकिन पॉलिसी वो इस तरह बना रहे हैं कि कुर्सी सुरक्षित रहे, क्योंकि सेना किसी पार्टी की नहीं होती, ना सेना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना किसी दूसरी पार्टियों की। सेना जो होती है वो पैसे कमाने का साधन नहीं है, सेना का काम होता है जो हमारी बॉर्डर है उसकी रक्षा करना, जो अंदरूनी चीजें हैं उसका काम है लोकल उनको बनाना। लेकिन सेना के ऊपर आज उनको पार्टी बनाया जा रहा है, उनको बांटने का काम किया जा रहा है। आप 4 साल की जो योजना की बात कर रहे हैं, अरे 4 साल की योजना अगर आपने लागू करनी थी, आप करते लोकसभा के अंदर, आप करते राज्यसभा के अंदर, आप करते विधानसभा के अंदर, के 4 साल आपको फौज की ट्रेनिंग लेके एक इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कोई पेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप सांसद एमपी एमएलए हैं आपको तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये सिर्फ बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए और इन्होंने अपनी पार्टी का बढ़ाने के लिए ये आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है। और आने वाले टाइम में ताकि ये बच्चे कल हथियार चलाना सीख ले और देश के ऊपर कोई आफत आए तो उस देश के अंदर ये बहाना करते हैं दूसरी कंट्रियों का कि वहां होता है, वहां जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, वो सारे सेना से जाते हैं। 5 साल का टर्न होता है। आज बात देख रहे यूक्रेन की, देख लो हमारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए 4-4 साल तक के करके आए, उनको रोजगार नहीं दिया, किस रोजगार की बात करते हैं? ये सिर्फ बच्चों का भविष्य खत्म करने की प्लान है। कैप्टन साहब, आपने कारगिल युद्ध भी देखा, आप खुद उस युद्ध में मौजूद थे, और सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान इसकी कमी हमें महसूस हुई, हमें खला तब से डिमांड चली आ रही थी कि टूर ऑफ ड्यूटी नाम का एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें युवाओं को लाया जाए और उन युवाओं की शक्ति को यूज किया जाए ताकि देश में इस तरह की जब अगर वॉर या कुछ सिचुएशन आती है तो हमारी यंग फौज रहे। ये बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि सेना के अंदर जो अधिकारी हैं उनका मुंह बंद किया हुआ है, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको देशद्रोही के नाम से जोड़ के कोर्ट मार्शल लेना काम कर रहे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते। अगर अंदरूनी उनसे पूछा जाए वो पूरे बाइकाट में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा होता, 4 साल जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, 9 महीने की छुट्टी काटेगा, उसका पेट 2.5 साल का बच गया। अरे एक छोड़ के फौज के अंदर अमित शाह और मोदी झूठ फैला रहे हैं। आज जितनी भर्तियां हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं, सिर्फ एक जो सेना मेडिकल कोर है उसकी भर्ती है, बाकी कोई भर्ती नहीं है, बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है। सरकारें कह रही हैं कि इनको सीएपीएफ में ले लिया जाएगा, असम राइफल में लेंगे, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा या उनमें भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी। खट्टर सरकार ने भी आज ऐलान किया, पहले भी उन्होंने ऐलान किया था, और पुलिस में लेने की भी बात हो रही है, तो दिक्कत कहाँ है? जब सारे हर तरह के रास्ते खुले हुए हैं तो आपत्तियां कहाँ हैं? अब इनकी प्लानिंग हमेशा यही रही है, इनके अंधभक्त इस बात को फैलाते हैं। उनका काम एक ही है, जो उन्होंने कह दिया वही माना। इन्होंने कृषि बिल के ऊपर कहा था कि किसानों को समझ में नहीं आया, इन्होंने अगली पद के लिए कह दिया युवाओं को समझ में नहीं आया, इन्होंने जो हमारी लगाई थी ये नोटबंदी के अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आई, जो इन्होंने जेडी लगाई थी कि वो व्यापारियों को समझ में नहीं आई, सीए लेके आया था मुसलमानों को समझ में आई। ये हमेशा जाति पाति के ऊपर बांट के इस देश को बर्बाद करना चाहते। आपको लगता है कि सरकार इसको आप वापस करवा पाएंगे, इस योजना को जो केंद्र सरकार द्वारा ला दी गई है, रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई?
देखिए हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी, सरकार को एक दिन मानना पड़ेगा। अगर सरकार इस चीज को नहीं मानी तो ये देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। आप देखोगे कितने बच्चे, लाखों बच्चे आज बेरोजगार हैं। हरियाणा की बात कर रहा है खट्टर के नौकरी दूंगा, इलेक्शन से पहले कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां गई नौकरियां? आज 37% बेरोजगार है। ये बात करते थे कि 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देंगे, अरे 18 महीने की बात करते हो, 8,75,000 नौकरियां पहले से पड़ी हुई है, 2.5 लाख फौज की पड़ी हुई है, 3 लाख रेलवे की पड़ी हुई है, 90,000 पोस्ट ऑफिस की पड़ी हुई है, इस तरह से सीएसएफ बिहार की पड़ी हुई है। ये सिर्फ एक जुमले बात सरकार है, जुमला करके लोगों को भड़का के और अपनी कुर्सी सूची। कैप्टन साहब, यूथ धरने पर आ गया, आगजनी करने लगा, क्या ऐसे तोड़फोड़ करने से अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो क्या ये तब वो लोग कुछ कर पाएंगे? आने वाले समय में तो उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। देखिए मैं युवाओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जोश के साथ, होश से काम करिए। यही आदमी बीच में घुस के आपके ऊपर FIR भी कराएंगे। ये संपत्ति ना मोदी की है ना शाह की है, ये संपत्ति है देश हमारा, उनके बाप का नहीं है, हमारा सबका है। जो संपत्ति हमारी है उसको बर्बाद ना करें, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। आने वाले टाइम में संघर्ष लड़ोगे, संघर्ष जीतेगा और युवा जीतेगा। युवा जब जीतेगा जब इकट्ठा होगा। अगर अलग अलग मोर्चे में लड़ाई लड़ी, जो सरकार चाहती है वही आप बनाना चाहते हो। तो ये थे कैप्टन रणधीर, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि युवा भटके ना, किसी के बहकावे में ना आए, उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन आंदोलन करें, आगजनी तोड़फोड़ ये सब ना करें। और उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर सवाल भी उठाए कि जब केंद्र में 8 लाख के आसपास भर्तियां खाली हैं, हरियाणा की बेरोजगारी सब देश में नंबर 1 पर है, तो आप युवाओं को वहां भर्ती क्यों नहीं करते, क्यों आप इस प्रकार के प्रलोभन देते हैं, इस प्रकार के वादे करते हैं जो पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन सरकार क्या इनके दबाव में आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और भर्ती प्रक्रिया आने वाले समय में शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं सुधीर पांडे, पंजाब के CTV जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।